हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। दी क्वेश्चन सेज इफ ए बी एंड सी आर थ्री नॉन कोप्लैनर वेक्टर, देन ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी इज इक्वल टू। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें देखो पहले क्या की कंसेप्ट पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे की कंसेप्ट होगा बॉक्स ऑफ ए बी सी। ये क्या होगा? ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ये होगा। अब ये किसके इक्वल होगा? यहाँ से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी सी और ए। इसको क्या लिखेंगे? बी डॉट सी क्रॉस ए। सिमिलरली ये इसके भी इक्वल होगा यहाँ पे सी ए बी। इसको कहने का मतलब यहाँ पे हमें ये साइक्लिक प्रोसेस में चलना है, जैसे ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, उस हिसाब से इसको हमको करना है सी डॉट ए क्रॉस बी। तो ये की कंसेप्ट का यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए। और डॉट क्रॉस करना तो आपको बेसिक फॉर्मूला बता देता हूँ, यहाँ पे क्या होगा वो क्वेश्चन अंदर देखते हैं। चलो अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, यहाँ पे है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी। अब ये है, अब देखो एक कंसेप्ट और है जो हमको पता होना चाहिए। अगर हमारे पास कोई वेक्टर है ए डॉट और यहाँ पे आ गया ए क्रॉस बी, तो ये हो जाएगा ज़ीरो। ओके, क्योंकि परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे ये ज़ीरो क्यों होता है? क्योंकि अगर अंदर सेम वेक्टर है और बाहर भी सेम आ गया तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा ज़ीरो। अगर यहाँ पे बी डॉट ए क्रॉस बी आ गया तो बी इसका ज़ीरो हो जाएगा। सो इनको ध्यान में रखते हुए हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? देखो क्या होगा, पहले ये अंदर वाला है ए प्लस बी प्लस सी है। अब इनको जब करेंगे तो ए क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस सी प्लस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी क्रॉस सी। ये हो गया। देखो हमें पता है जो ए क्रॉस ए है वो होता है ज़ीरो। अब जब इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यहाँ पे क्या बचेगा? बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ऑफ सी वेक्टर। अब ये है देखो, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, क्या है ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि मैंने अभी आपके कंसेप्ट के अंदर देखा हमने, अगर कोई भी सेम से मल्टीप्लाई होगा तो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ए वेक्टर को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो, बी से करेंगे तो भी ज़ीरो, तो यहाँ पे क्या आएगा? सी वेक्टर है बी क्रॉस ए प्लस, अब ए और सी है तो ए और सी के साथ करेंगे तो ज़ीरो आएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस, अब ये बी और सी है तो बी और सी के साथ जीरो आएगा। तो ए वेक्टर बी क्रॉस सी। ओके, सो ये है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? तो ये क्या हो जाएगा? बॉक्स ऑफ सी बी ए प्लस, ये क्या हो जाएगा? बी ए सी का बॉक्स प्लस, यहाँ पे हो जाएगा ए बी और सी का बॉक्स हो जाएगा। अब देखो, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? हमारे पास क्या आया? अब यहाँ पे है सी बी ए प्लस बी ए सी बी ए सी ए बी सी प्लस ए बी सी का बॉक्स। अब देखो, अब हमें पता है जो ए बी सी अगर साइक्लिक होता है तो वो पॉजिटिव रहेगा। अब अगर हम इसमें ए बी सी के फॉर्म में करें तो क्या होगा? यहाँ पे ये नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो यहाँ से अगर देखें तो बी यहाँ पे ए होना चाहिए, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा सी ए प्लस ए बी सी, तो ये वाला भी माइनस हो जाएगा। ए वेक्टर बी वेक्टर सी
और ये हो जाएगा ए बी सी। अब देखो, अब ये ए बी सी प्लस और ये माइनस, ये दोनों ख़त्म, तो हमारे पास क्या बचा है इसका आंसर, माइनस ऑफ बी सी ए। ऑप्शन देखते हैं अगर ये मैच करेगा तो यहाँ से अगर इसको हम ऐसे लिखना चाहें, बी सी ए को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू ए बी सी। तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।